गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्टूडेंट्स जो लेसन 6 हमने 2 पार्ट्स में किया था, आज इसका 3 पार्ट है। जो एक्सरसाइज होगी आपकी, इसमें थर्ड पार्ट में, लेसन 6 के थर्ड पार्ट में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, आई थिंक मैं आपको पेजेस दिखा देती हूँ, फिर भी आप लोगों ने, मैंने आपको ये पेजेस सेंड किए हुए हैं और आप लोगों ने उसको पढ़े होंगे, ठीक है। जिन्होंने नहीं बुक्स अभी परचेज किए हैं वो स्टूडेंट्स बुक्स को परचेज कर लें, ठीक है। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज टाइम। अब देखिए, सबसे पहले ये तो ओरल क्वेश्चन है, ये तो आपको नहीं करने हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। सो द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स रन्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात टू, जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो फैला हुआ है आपका कहाँ से, गुजरात से केरला तक। तो केरला पे मैंने राइट लगाया हुआ है, तो आप इसको केरला पे टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द ब्रिटिश पुट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया इन सेलुलर जेल लोकेटेड एट, तो जो ब्रिटिश के ब्रिटिश जब हमारे देश में थे, ब्रिटिश रूलिंग सिस्टम था, तो उन्होंने जो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स हुआ करते थे उनको कहाँ पे उस जेल में शिफ्ट कर देते थे, जो सेलुलर जेल है वो अंडमान में है, अंडमान निकोबार, तो अंडमान में राइट कर लिया। एंड द गिर नेशनल पार्क इज़ द होम टू द एशियाटिक लायन, ये राइट लगाएंगे। गिर नेशनल पार्क है वो होम कहलाता है एशियाटिक लायन का। नेक्स्ट है आपका रास गरबा इज़ द फोक डांस ऑफ गुजरात, गुजरात पे टिक कर लेंगे, राइट लगा लेंगे आप। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका बी के बाद सी है, हमें ए तो करना नहीं है, ओरल है तो उसको क्रॉस कर दीजिए, बी से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। सी द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लोकेटेड टू द साउथ ऑफ गोवा इज नो एज, तो इसमें आएगा कोंकण, ठीक है, कोंकण, स्पेलिंग है KONKAN। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड द अंडमान्स आर सेपरेटेड सॉरी द अंडमान्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द निकोबार ग्रुप बाय द डैश चैनल, तो 10 डिग्री चैनल। ओके, थर्ड है आपका डैश इज अ रिच गुजराती डेजर्ट, तो श्रीखंड इज अ रिच गुजराती डेजर्ट। फोर्थ है लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डैश नियर मुंबई, तो आएगा द सी बेड नियर मुंबई। उसके बाद है आपका फिफ्थ डैश इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन गोवा, तो इसमें आएगा कोंकणी, कोंकणी इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन गोवा। अब आ जाइए आप ट्रू फॉल्स पे। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ अंडमान्स, तो ये है आपका राइट, ठीक है। जामनगर इज फेमस फॉर जरी वर्क, नो इट्स रॉन्ग। थर्ड है गोवा इज इंडियाज स्मॉलेस्ट स्टेट, या राइट। एंड फोर्थ है गुजरात इज ऑल्सो नो फॉर इट्स ब्यूटिफुल हैंडीक्राफ्ट, यस राइट। एंड फिफ्थ है आपका केरला इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मालाबार कोस्ट, रॉन्ग। ओके, अब आ जाएंगे हम मैच द फॉलोइंग में। मैच द फॉलोइंग है, अंडमान को हम मैच करेंगे जो इसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर, गोवा का पणजी, एंड कर्नाटका बेंगलुरु, तमिलनाडु चेन्नई। इसको ओके, उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हम इसको बोलते हैं विच पार्ट आर कवर्ड विद कोस्टल प्लेन्स। ये वैसे मैंने फिल भी कर रहे हैं और मैं आपको बता भी दूँ,
उसका जो आंसर है आज जहाँ से हमने स्टार्ट किया कोस्टल प्लेन्स ये आएगा। बट मैंने यहीं पे थे ये जो आपका यहीं पे निशान टिक लगा रखा है पॉइंट्स टू रिमेंबर में जो दिया है लास्ट, द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया कवर पार्ट्स ऑफ दिस स्टेट्स ऑफ गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटका केरला वेस्ट बंगाल उड़ीसा आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये फर्स्ट आंसर है आपका, ठीक है। हालांकि मैं आपको रिटर्न करके भी दे रही हूँ। एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लाइफ ऑफ गुजरातीज़, ये आप इतना बड़ा नहीं कर पाओगे, मैं आपको रिटर्न करके दे सेंड कर दूंगी। एंड नेम द थिंग्स डैट यू विल बी सीन ड्यूरिंग द योर विजिट सी इन केरला ड्यूरिंग यू विजिट द स्टेट एज अ टूरिस्ट। अगर आप जैसे टूरिस्ट के रूप में जैसे घूमने जाएंगे केरला में तो आप क्या देखना पसंद करेंगे वहाँ पे, कौन कौन सी चीज़ें वो बताएंगे। एंड राइट डाउन द पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स इन केरला। अब आपको पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स के नाम लिखने हैं केरला के। एंड विच लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन पौंडीचेरी, पौंडीचेरी की जो लैंग्वेजेस है इसका आंसर यहीं दिया है पेज नंबर 43 में दिया है। तो जो मेन लैंग्वेजेस हैं यहाँ की फ्रेंच तमिल तेलुगू एंड मलयालम आर स्पोकन। तो यानी ये तो मेन आ गई फ्रेंच तमिल तेलुगू एंड मलयालम आर स्पोकन इन पौंडीचेरी। ओके ये आपका आंसर हो जाता है इसमें फिफ्थ लेसन आंसर फिफ्थ, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्व कर लेंगे आप लोग, बाकी मैं आपको रिटर्न करके भेज दूँगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओके बाय।